4:30 बजे मुझे फिरोज गांधी नगर से कंटिन्यूस फोन आना शुरू हुए। कई लोगों ने मुझे फोन कर ये बोला कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर करीबन 20 लाख से जायद की एक रोड आसिफ नगर पीएस के सामने से फिरदौस मस्जिद तक डलाई जा रही है। वो रोड को रुकाने के लिए जो एक तरक्याती काम है और सालों से फिरोज गांधी नगर के लोगों का मुतालबा है कि रोड बहुत ज्यादा डैमेज है, इसको डलाना चाहिए। कुछ यहाँ के कांग्रेसी गुलाम एक हारे हुए उम्मीदवार को लेकर जो धूप में सीधी तौर पे निकल नहीं सकता है, मजलिस का डायरेक्ट पसीना है, पाउडर लगा के निकलता है, क्रीम लगा के निकलता है, अपने आप को सूरज से बचा के निकलता है, वो आता है और एक दौरा करने की कोशिश करता है। मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार उसे रोकते हैं, बताते हैं कि मजलिस की नुमाइंदगी पे यहाँ की रोड पड़ी जा रही है। ताजनगर का नाला मजलिस की नुमाइंदगी पे हुआ है, जुबेदा मस्जिद के सामने की रोड मस्जिद के मजलिस के नुमाइंदगी पे हुई है। हाँ, काम में वक्त लगता है, मगर मैंने ये तो यहाँ के लोगों को जब मैं मन्नान भाई, अजीज भाई और यहाँ के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन के जिम्मेदार ने मुझे कहा कि ये रोड में वक्त लगेगी, मैंने उनको मुतमईन दिया कि मैंने मुकद्देदार से बात की है और ये इंशाल्लाह ये रोड बड़ी तेजी से ऑन टाइम पड़ जाएगी। कल ही ये रोड खुदी और आज ये लोग दौरा करने आए और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी नुमाइंदगी से हुई है, ये सरासर झूठ है। और एक बात मैं आवाम को बोलना चाह रहा हूँ, परसों दो दिन पहले फसलानसर में भी हुआ और मेरे पास टाउन प्लानिंग में इनके गुलामों के दिए हुए कंप्लेन है इनके नाम पे, जो नामपली हलके में फिर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनकी कंप्लेन ये डालकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये लोग हारे हुए हैं तो ये लोग ब्लैकमेलिंग करते हुए, अगर खुदा ना खास्ता ये जीत जाते तो कैसा कहर बरतता नामपली पे, ये आपको सोचने की जरूरत है। मेरे पास पूरे कंप्लेंट्स मौजूद है जो इनके यहाँ के जिम्मेदारों ने नाम पे बल्दिया में दी है। सैयद नगर में जा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि ये नोटरी के घर है और तुम्हें हमें पैसे देना होगा नहीं तो हैड्रा से तोड़ा देंगे। सैयद नगर, फसलानसर, नामपली का कई हिस्सा हो, किसी एक घर को धक्का नहीं लग सकतेगा। अगर ये फिरोज आएगा उसके चमचे आएंगे, चप्पल निकाल के मारूंगा हरामजादों को, मगर नामपली में कुछ होने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देगी। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे कंप्लेन डाले, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी मुखालिफत में ठहर सके, इनके ब्लैकमेलिंग का धलता हम बंद कर सके। ये लोग जहां पे भी इनके लोग हैं, आप सूरत देखिए, उनकी फितरत देखिए, पूरे राउडी बैकग्राउंड से है, ऐसे राउडी बैकग्राउंड के लोगों को नामपली में फिराया जा रहा है तरक्की के नाम पर, और ये लोग ये देख रहे हैं कि किसका घर बन रहा है, किसकी मोहरी डल रही है, किससे हम किस किस्म से पैसे खा सकते हैं, कौन से गवर्नमेंट लैंड पे हम पैसे खा सकते हैं। अगर ये कांग्रेस के, ये जो यहाँ के नामपल्ली के ये फिरोज के कुत्ते अगर आपके दरमियान में आते हैं और आपको सताने की कोशिश करते हैं, मुझसे रास्ते में आएंगे, इनका मुकाबला मैं करूंगा आपके वास्ते। मैं आपके वोट के ताबे हूँ और मैं आपके वोट के ऐसा मैं आपके वोट का हक अदा करूंगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक आदमी को यहाँ सर पे मार पड़ा, ये हमेशा जब आता है आमने सामने के लड़ाई नहीं लड़ता है, खवातीन को घेरे में रखता है। इसको मैं कहना चाहता हूँ, तू 4 बार को इलेक्शन लड़ा है पर खुद भी आगे बनना सी, कब तक खुदा ना खास्ता औरतों को ढाल बनाने की कोशिश करेगा? औरतें हमारी माँ है जो हमें ताकत देती है, औरतें हमारी बहन है जो हमें मोहब्बत देती है, इनको अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल मत कर, इनकी ढाल बनना हमारा काम है। ये एक नामर्द है जो औरतों को ढाल बजाता है, हम मर्द है और हम ताकतवर है, हम औरतों की ढाल बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
देखो सब ठहरे हुए साफ बोले तो आप जो है मतलब